ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं दिल्ली सरकार ऑटो टैक्सी चालक को जो 5000 रुपया देने वाले हैं वो कब से देने वाले हैं, और यहाँ पे काफी लोग परेशान हैं। तो आप लोगों को लाइव प्रूफ भी दिखाने, लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दरअसल आप लोगों को पता होगा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 मई 72 लाख लोगों को फिर 2 महीने के लिए फ्री राशन देने का ऐलान किया था। ऑटो टैक्सी चालक को 5000 रुपये देने के लिए ऐलान किया था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गए, इस पैसे के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। और काफ़ी लोग अरविंद केजरीवाल जी को ट्विटर पे ट्वीट करके पूछ रहे थे, आखिर दिल्ली सरकार कब से ऑटो टैक्सी चालक को 5000 रुपया, ये जानकारी काफ़ी लोग जानना भी चाह रहे थे। आखिर जो पिछले बार जो आवेदन किया था उसे कब तक मिलेगा, या फिर नहीं मिला है पिछले बार तो उसको कैसे मिलेगा। तो दरअसल मैं आपको बता दूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं, कैलाश जी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है, पिछले वर्ष की भांति ऑटो टैक्सी चालकों, रिक्शा मालिक और पैराट्राजिस वाहन के परमिट धारकों को 5000 रुपये की वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को नेतृत्व में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुझे यकीन है कि यह राशि इस लॉकडाउन में राहत प्रदान करेगी। इसी सप्ताह में आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे, जिन 2020 में अप्लाई किया था और पैसे मिला था उन्हीं लोगों को इसी हफ्ते में, यानी कि 5000 रुपया भेज दिए जाएंगे। और जो लोग पिछले साल अप्लाई किए थे और उन्हों लोगों को पैसे नहीं मिला है तो उनको क्या करना है, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं।